हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पीएच पे। तो पीएच आप सभी लोग जानते हैं, इस शब्द से सभी लोग वाकिफ़ हैं। तो आज हम पीएच की पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम लोग क्या क्या चीज़ कवर करेंगे, तो देखिए पहले फुल फॉर्म इसका देखेंगे, उसके बाद साइंटिस्ट का नेम जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, डेफिनेशन क्या होती है पीएच की, उसके बाद जीआईटी जो आपका ट्रैक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, उसका पीएच कितना होता है, उसमें जितने ऑर्गेन्स हैं उसमें कितना पीएच होता है जो उसको नॉर्मल वर्क करने के लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद हम बात करेंगे वेरियस बॉडी फ्लूड्स। जीआईटी के अलावा बॉडी के अंदर बहुत से सिक्रीशन होते हैं जिनका अलग अलग पीएच होता है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ डिसबैलेंस बॉडी फ्लू, अगर बॉडी के अंदर पीएच डिसबैलेंस हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और यदि ऐसा होता है, डिसबैलेंस होता है, तो वो कौन से मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम बॉडी पीएच को मेंटेन कर सकते हैं। और इसके साथ ही आज हम लोग बात करेंगे पीएच स्केल के ऊपर। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा, पूरा आपको लास्ट तक समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पीएच। तो पीएच वर्ड जो है ये आप लोग इससे परिचित होंगे, तो आइए इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि पीएच शब्द क्या है, कहाँ से आया, किसने खोज की थी और इसका क्या रोल है आपके लाइफ में। ठीक है, तो पीएच दो शब्दों से मिलकर बना है, स्मॉल पी एंड कैपिटल एच। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है यही देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ पीएच, पी फॉर है आपका, वो डिनोट करता है पावर को यानी शक्ति को, या पोटेंशियल, उसकी शक्ति को डिनोट करता है पी वर्ड। किसकी शक्ति की बात हो रही है, यहाँ पर एच से हम जब देखें तो एच है आपका हाइड्रोजन आयन यानी एच प्लस, तो ये पोटेंशियल और पावर दिखाता है हाइड्रोजन आयन की। ठीक है, तो पोटेंशियल वर्ड कहाँ से आया है, देखिए जर्मन लैंग्वेज के पोटेंज वर्ड से लिया गया है, उसका हम लोगों ने इंग्लिश में आपका पोटेंशियल वर्ड यूज़ किया है। तो किसी भी हाइड्रोजन आयन की पावर को या पोटेंशियल को दिखाता है कि किसी भी सोल्यूशन में उस हाइड्रोजन आयन का पावर कितना है या उसकी पोटेंशियल कितनी है। तो चलिए देखते हैं इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था। तो इंट्रोड्यूस बाय साइंटिस्ट सोरेन पैडर लॉटरीज सोरेनसन, ये साइंटिस्ट थे, या इनको केमिस्ट भी कह सकते हैं, ये डेनिस केमिस्ट थे और इन्होंने पीएच को खोजा था 1924 में, 1924 में। तो डेनिस केमिस्ट सोरेन पैडर लॉटरीज सोरेनसन, इनको सोरेनसन के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने 1924 में पीएच की खोज की थी। आइए डेफिनेशन देखते हैं कि पीएच की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, द पीएच स्केल इज इंडिकेट द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि पीएच स्केल जो है, जो पीएच की एक स्केल है जिसके द्वारा हम पीएच नापते हैं, वो क्या दिखाता है, वो इंडिकेट करता है कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन, कि किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है, वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में, वो दिखाता है आपका पीएच स्केल। तो कंसंट्रेशन कैसे हम लोग नापेंगे इसको, तो इसको यूनिट है इसकी मोल, हाइड्रोजन आयन कितने मोल सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन जो है आपका 1 लीटर होता है, तो इसका देखिए यूनिट मोल पर लीटर है, तो हाइड्रोजन आयन कितने मोल कंसंट्रेशन प्रेजेंट है किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन में, वो दिखाता है पीएच स्केल। ठीक है, देखिए एट 25 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस जो कि रूम टेम्परेचर होता है आपका, इस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन विथ ए पीएच लेस देन 7 आर एसिडिक सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन है आपके, जो विलयन है, अगर वो 7 से कम है, 7 पीएच से कम है, तो वो आपके एसिडिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्रेटर देन 7 आर बेसिक सॉल्यूशन, अगर वहीं पर वो सॉल्यूशन और उस सॉल्यूशन का पीएच 7 से ग्रेटर है यानी 7 से ज़्यादा है, तो वो आपका बेसिक सॉल्यूशन कहलाता है। एंड विथ ए पीएच ऑफ 7 आर न्यूट्रल सॉल्यूशन, और यदि उसी सॉल्यूशन में पीएच का मान 7 है, ना 7 से कम है ना 7 से ज़्यादा, तो वो आपका इंडिकेट करता है न्यूट्रल सॉल्यूशन में। ठीक है, तो जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है आपका प्योर वाटर होता है,
जो शुद्ध जल है उसका पीएच 7 होता है, ना ही वो एसिडिक होता है और ना ही वो बेसिक होता है, क्योंकि एच के दो आयन्स है और ऑक्सीजन का एक आयन है। अभी इसके आगे हम लोग बात करेंगे उसको कि किस तरह से उसमें दोनों चीज़ें मिलने से वो न्यूट्रल हो गया। तो देखिए ये सारी बात हो रही है, सारी चीज़ें जितने भी सॉल्यूशन है वो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जो कि आपका रूम टेम्परेचर होता है, उस पर बात हो रही है। तो अगर 7 से पीएच कम है तो एसिडिक हो गया, 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक हो गया, और अगर 7 है तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं फॉर्मूला, पीएच को हम किस हिसाब से या किस फॉर्मूले से मेज़र कर सकते हैं। तो देखिए पीएच का फॉर्मूला होता है पीएच इज इक्वल टू -log 10 एच प्लस आयन। ठीक है, तो एच प्लस आयन जो है यानी हाइड्रोजन आयन है वो लॉगरिथम होता है, जो कि बेस उसका 10 होता है। माइनस लॉगरिथम यानी कि ऋणात्मक होता है, माइनस लॉग जिसका बेस 10 होता है। तो पीएच का फॉर्मूला है इज इक्वल टू -log 10 एच प्लस आयन। इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का पीएच निकाल सकते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं कि पीएच है जो है वो कहाँ कहाँ पर और किस किस जगह पर होता है। अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी के जो कुछ सॉल्यूशन है या कुछ लिक्विड्स हैं या ऑर्गेन्स हैं, सबका अपना पीएच होता है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल फंक्शन कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं डिफरेंट पीएच इन लिविंग सिस्टम। जो ह्यूमन लिविंग सिस्टम है उसमें अलग अलग ऑर्गेन्स के अलग अलग पीएच होते हैं। तो अब हम बात करते हैं जीआईटी ट्रैक की, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में। तो जीआईटी ट्रैक के ये हैं आपके सारे ऑर्गेन्स, जिनसे मिला करके पूरा जीआईटी ट्रैक आपका कंप्लीट होता है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं जीआईटी ट्रैक्स में, जीआईटी से ओरल कैविटी। अगर हम ओरल कैविटी की बात करें, जहाँ से इंट्रोड्यूस होता है आपका फूड और आपका ड्रिंक, जहाँ से इंट्रोड्यूस होता है उसका पीएच होता है 6.8 to 7.5, 6.8 से 7.5 तक का पीएच ओरल कैविटी का होता है। उसके बाद जब फूड आता है आपके स्टमक में, तो वहाँ पे उसको कितने पीएच से सामना होता है। तो देखिए स्टमक का पीएच है 1.5 to 2.0। देखिए ये 1.5 और 2.0 ये हाईली एसिडिक है, क्योंकि ये 7 से लेस है तो एसिडिक सॉल्यूशन में आता है, तो ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन है हो गया। और ये 1.5 है यानी हाईली एसिडिक। अभी हम पीएच स्केल पे इस पर बात करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि जो हाई एसिडिक और लो एसिडिक कैसे हम लोग मेज़र कर सकते हैं। इसके बाद स्टमक में भोजन ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद वो ड्यूडिनम में गया, ड्यूडिनम के द्वारा वो इंटेस्टाइन में प्रवेश करेगा। तो ड्यूडिनम में पीएच जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है थोड़ा सा, 5.6 से 8.0 तक। ये थोड़ा सा एसिडिक है, वीक एसिड, और यहाँ पर थोड़ा बेसिक आ गया। इसके बाद इसकी एसिडिटी कम होने लगती है। ड्यूडिनम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको और पीएच इंक्रीज़ होके मिलता है 7.2 से 7.5 तक। उसके बाद ये लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जिसका एंड पार्ट कोलन होता है, तो वहाँ पर पहुँच के इसका पीएच 7.9 to 8.5 तक मिलता है। तो ये जीआईटी की बात थी, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की बात थी। सारे ऑर्गेन्स जो कि क्रमबद्ध हैं, लाइन से हैं, तो उनको जो पीएच है वो कितना पीएच चाहिए, नॉर्मल फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, जो नॉर्मल फंक्शन करने के लिए उनको जो सफिशेंट पीएच है वो यहाँ पर हमने बात कर ली। अब इन जीआईटी ट्रैक के अलावा बॉडी के बहुत सारे ऐसे फ्लूड्स हैं जहाँ पर पीएच मीज़र होता है, जहाँ पर पीएच अपना माने रखता है। तो आइए जीआईटी में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जीआईटी के बाद हम लोग अदर फंक्शन पे, अदर बॉडी ऑर्गन्स पे। तो पहला है गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड आपका स्टमक में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ का पीएच 1.5 to 2.0 होता है। ये हाईली एसिडिक है, इसलिए इसको गैस्ट्रिक एसिड बोला गया है। एसिड यानी कि बहुत ही ज़्यादा अम्लीय है, ये 7 से कम है इसका पीएच। तो गैस्ट्रिक एसिड की बात करें तो इसका पीएच होता है 1.5 से 3.5 तक। इसके बाद अगर हम लाइसोसोम की बात करें तो उसका होता है 4.5, ये भी आपका एसिडिक है। ह्यूमन स्किन की बात करें, जी हाँ, ह्यूमन स्किन यानी कि जो त्वचा की अगर हम बात करें तो वो भी एसिडिक होती है। 4.7 इसका पीएच होता है।
इसका पीएच बिलो 5 होता है, 5 से कम होता है, जो कि जो हमारे स्किन के ऊपर अगर कोई माइक्रोब्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो वो कुछ हद तक वर्क करता है उनको किल करने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रैनुल्स ऑफ क्रोमाफेन सेल्स की, तो उसका पीएच 5.5 है। सलाइवा, जिसको हम लोग हिंदी में लार भी कहते हैं, सलाइवा जिसका पीएच देखिए 6.2 to 7.6 तक होता है। यूरिन यानी कि मूत्र की बात करें तो 4.8 से लेकर के 8.4 तक इसका पीएच होता है। ये पीएच आपका देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एसिडिक है और यहाँ पर बेसिक है, ये चेंज होता है ड्यू टू बॉडी की कंडीशन के अनुसार। उसके बॉडी का चेंजमेंट अगर होता है तो उस हिसाब से यहाँ पर पीएच वो है वो चेंज हो जाता है। इसके बाद हम सीमन देखें, सीमन का 7.5 है। टीयर्स यानी कि आंसू 6.5 से 7.5 है। सेस्टोसोल या साइटोसोल की बात करें 7.2। ब्लड जो रक्त है ह्यूमन का, उसका देखिए 7.34 से लेकर के 7.45 तक होता है। ठीक है, ये स्लाइटली, बहुत ही ज़्यादा स्लाइटली ये बेसिक होता है। और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड की बात करें, जिसको CSF भी कहते हैं शॉर्ट में, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड का पीएच होता है 7.5। ठीक है, इसके बाद हम बात करें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स के अंदर का होता है, सेल्स का पावर हब कहलाते हैं, जहाँ पर एनर्जी आपका स्टोर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में 7.5 होता है। और पेंक्रियास से जो सिक्रीशन होता है, उसको हम लोग पेंक्रियास से सिक्रीशन कहते हैं, उस वो होता है आपका 8.1। ठीक है, अभी हम इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन जो हमारे डेली टच में आती हैं, तो उनका पीएच, और उसके बाद अगर पीएच गड़बड़ हो जाता है तो किस तरह से हम लोग उसको, कौन कौन सी प्रोसेस होती है जिससे हम लोग उसको मेंटेन कर सके नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए। चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि पीएच का इम्पैक्ट क्या होता है यदि ह्यूमन बॉडी में वो डिसबैलेंस हो जाए। तो देखिए, इम्पैक्ट ऑफ अल्टरिंग द पीएच बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर पीएच का बैलेंस अगर अल्टरिंग हो जाए या डिसबैलेंस हो जाए तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो देखिए, पहला है डिफरेंट ऑर्गेन फंक्शन रिक्वायर्ड देयर ऑप्टिमल लेवल ऑफ पीएच। तो जो डिफरेंट ऑर्गेन्स हैं, ह्यूमन बॉडी कई ऑर्गेन से मिलकर बनी है, तो सब ऑर्गेन्स को अपना ऑप्टिमल लेवल ऑफ पीएच चाहिए नॉर्मल फंक्शन करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हम बात करें पेप्सिन एंजाइम की, पेप्सिन एंजाइम जो है आपका पेप्सिनोजेन से बनता है, तो पेप्सिन एंजाइम रिक्वायर है उसको लो पीएच टू ब्रेक डाउन फूड इन स्टमक। पेप्सिन एंजाइम स्टमक में आता है तो उसको लो पीएच चाहिए होता है फूड फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, यानी जो भोजन है उसको पचाने के लिए उसको लो पीएच या एसिडिक पीएच कह सकते हैं, एसिडिक क्वांटिटी उसको चाहिए होती है स्टमक में। यही पेप्सिन एंजाइम स्टमक से जब बाहर आता है तो उसको हाई पीएच टू नॉर्मल फंक्शन इन इंटेस्टाइन, पेप्सिन एंजाइम को इंटेस्टाइन में हाई पीएच चाहिए और स्टमक में लो पीएच चाहिए। अर्थात ये है कि जो पीएच का बैलेंस है इनका, जहां पर जो रिक्वायर्ड है वो उसको एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। अगर ऐसा नहीं होगा, ये अल्टर हो जाएगा या डिसबैलेंस हो जाएगा, तो क्या होगा देखिए, सो एनी चेंजमेंट इन द पीएच कैन लीड सेवरल डिसऑर्डर। तो जो चेंजमेंट हो रहा है, अगर किसी कारण से ये चेंजमेंट हो गया, इसी की जैसे ही बहुत से एंजाइम्स हैं या ऑर्गेन्स हैं जिनको ऑप्टिमल लेवल ऑफ पीएच नहीं मिल पाया, तो क्या होता है सेवरल डिसऑर्डर, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं अगर पीएच रिक्वायर्ड जो क्वांटिटी चाहिए वो नहीं मिला तो। तो जब ये ऐसा हो जाता है तब क्या होगा, तो मेंटेनिंग द बॉडी पीएच, तो हम लोग बॉडी के पीएच को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 मेथड्स हैं, जो अगर बैलेंस खराब हो गया, इनबैलेंस हो गया, अल्टरिंग हो गया पीएच का बॉडी के अंदर, तो कौन कौन से मेथड है। देखिए पहला है आपका बफर सिस्टम, बफर सिस्टम जो है वो आपका फॉस्फेट बफर होता है, जो फॉस्फेट आपका फूड के साथ बॉडी में एंटर करता है वो जाके आपका बफर सिस्टम तैयार करता है। और आपका कार्बोनिक बफर सिस्टम होता है, कार्बोनिक बफर सिस्टम भी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड करता है, जो जितना रिक्वायर्ड है
किसी भी ऑर्गेन्स के लिए या किसी भी एरिया के लिए पीएच उसको ये मेंटेन करता है। ऐसा नहीं है कि ये लो पीएच निकला स्टमक से और वो इंटेस्टाइन तक पहुंच गया। इसको ऐसा बफर सिस्टम रोक के रखता है कि वो सिर्फ स्टमक तक ही मेंटेन रहे, उसके आगे ना बढ़े। उसके आगे बढ़ने पे वो वहाँ पर उसकी एसिडिटी चेंज हो जाए और वो हाई पीएच में या बेसिक नेचर में आ जाए। उसके बाद देखिए दूसरा मेथड है रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी कि जो श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र के द्वारा ही भी हम लोग पीएच को बैलेंस कर सकते हैं। और लास्ट है आपका रीनल कंट्रोल सिस्टम। रीनल कंट्रोल सिस्टम यानी कि जो यूरिनेशन प्रोसेस है, यूरिनेशन प्रोसेस की वजह से ही हम लोग पीएच को बैलेंस कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो ये था तीन मेथड जो बहुत ही ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीन मेथड है जिसके द्वारा हम पीएच मेंटेन कर सकते हैं। आइए अब हम लोग पीएच स्केल की बात करते हैं। पीएच स्केल में वो कौन कौन से डेली यूजेस की हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो हम लोग डेली यूजेस में टच में रहते हैं, उन सारी चीजों से उनका पीएच भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए पीएच स्केल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जहां से स्टार्टिंग होती है पीएच की मेजरिंग के लिए, तो ये सबसे ज्यादा हाईली एसिडिक होता है, स्ट्रांग एसिड होता है, इसलिए इसका पीएच जीरो होता है। देखिए लेमन जूस, नींबू पानी की बात करें अगर हम, तो उसका पीएच 2.3 होता है। विनेगर यानी कि सिरका, जिसका 2.9 पीएच यानी हाईली एसिडिक है ये। वाइन की बात करें तो 3.5 है। टोमेटो जूस यानी टमाटर का जो जूस होता है या रस होता है वो होता है 4.1 पीएच पर। इसके बाद ब्लैक कॉफी की बात करें तो 5.0। एसिड रेन जब बारिश होती है तो एसिड रेन होती है, जब पहली बारिश होती है तो उसमें जो एसिडिक एटमॉस्फेयर होता है उस समय उसका पीएच 5.6 होता है। और जो नॉर्मल रेन होती है, फर्स्ट रेन के बाद की जो रेन होती है, उसका पीएच होता है 6.5। मिल्क यानी दूध की बात करें तो वो है 6.6 पीएच का। तो यहाँ तक हमारे अभी जितने भी थे वो एसिड थे यानी कि एसिडिक थे। यहाँ पर ये वीक एसिड में आता है और ये ऊपर की तरफ जब बढ़ेंगे तो ये स्ट्रांग एसिड में आते हैं सब। अब हम लोग यहाँ से नीचे बात करेंगे, नीचे के जो है बेसिक नेचर के। तो देखिए बेकिंग सोडा जो होता है उसका 8.4 जो कि वीक बेस है। टूथपेस्ट, हाँ जी, जो टूथपेस्ट हम लोग यूज करते हैं वो भी 9.9 पीएच का होता है, यह हमें पता होना चाहिए, जो कि बेसिक नेचर का होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका यूज किया जाता है कॉन्स्टिपेशन में, उसका होता है 10.5 बेसिक यानी कि बेसिक नेचर है। अमोनिया का 11.9 और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर 14। ये हाईली स्ट्रांग बेस है और ये जितना यहाँ अप की तरफ आएंगे तो वीक बेस हो जाएगा, नीचे की तरफ स्ट्रांग बेस। और ये आपका मिडिल पॉइंट है, यहाँ से ये वीक एसिड है और ऊपर की तरफ स्ट्रांग एसिड। ये कुछ डेली यूजेस के जिनके टच में हम होते हैं लेकिन हमें पता नहीं है, तो ये इससे आपको याद हो जाएगा। जब आप इनमें से कोई भी वस्तु इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसका पीएच पता होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक पीएच। पीएच शब्द सभी ने सुना होगा, सभी जानते होंगे जो मेडिकल फील्ड से हैं या नहीं हैं। इसकी विस्तृत जानकारी सभी को होनी चाहिए कि पीएच हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टेक योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।